गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। लास्ट लेक्चर में हमने पढ़ा था कि राष्ट्रवाद क्या है, और दूसरा पॉइंट जो हमने ये पढ़ा था कि सामूहिक भाव पैदा करने के लिए, सामूहिक भाव पैदा करने के लिए क्रांतिकारियों ने कौन से कदम उठाए। तो बहुत सारे कदम थे हमारे सामने जो ये दिखाते हैं कि क्रांतिकारियों ने बहुत से कदम उठाए थे लोगों के अंदर सामूहिक भाव पैदा करने के लिए, क्योंकि बिना सामूहिक भाव पैदा करे आप राष्ट्रवाद की चेतना को नहीं जगा सकते। तो राष्ट्रवाद की चेतना को जगाने के लिए क्रांतिकारियों ने बहुत सारे काम करे। तो यहां से मुद्दा उठता है कि जब ये काम फ्रांस में ये काम हो रहा था तभी इसकी आंधी पूरे यूरोप में फैल गई। यूरोप के बहुत से ऐसे राष्ट्र थे जिन्हें ये पता चलने लगा कि क्रांतिकारियों ने सामूहिक भाव को पैदा करने के लिए लोगों के अंदर चिंगारी डाल दी है। तो इसी के चलते एक जो शब्द है हमारे सामने आता है वो है जैकोबियन क्लब। बहुत इंपॉर्टेंट है, पहले मैं बता देता हूं फिर लिखता हूं इस चीज को कि जैकोबियन क्लब क्या था। फ्रांस के जो साथ में जो अन्य तरह के अलग राष्ट्र थे उनके अंदर जैकोबियन क्लब बना, और जैकोबियन क्लब को बनाने के लिए या उसका गठन करने के लिए विशेषकर दो विभागों ने बहुत मुख्य भागीदारी निभाई। उसमें थे छात्र। तो शिक्षक वर्ग और छात्र, ये दो इस तरह का वर्ग था जिन्होंने जैकोबियन क्लब का निर्माण किया। और इस जैकोबियन क्लब ने किया क्या था, इस जैकोबियन क्लब ने फ्रांसीसी सेनाओं को रास्ता दे दिया। मतलब मान के चलो पोलैंड है, जर्मनी है, जो आज हमें राष्ट्र दिखते हैं पोलैंड जर्मनी, उसके अंदर ये जैकोबियन क्लब बने। और जैकोबियन क्लब को बनाने वाला कौन, शिक्षक और छात्र। अब इन्होंने फ्रांसीसी क्रांतिकारियों को रास्ता दे दिया कि आप हमारे राष्ट्र के अंदर आओ और लोगों के अंदर वही सामूहिक भाव पैदा करो। तो ये बहुत मुख्य बात थी कि जब फ्रांसी क्रांतिकारियों ने सामूहिक भाव पैदा कर दिया फ्रांस के अंदर, उसके बाद जैकोबियन क्लब का मुद्दा सामने आता है। और जैकोबियन क्लब को बनाने वाले कौन हैं, शिक्षक और छात्र। अब शिक्षक और छात्र वर्ग मिलकर इस जैकोबियन क्लब को बनाते हैं, और ये लोग फ्रांसीसी सेनाओं को अपने अंदर आने की, अपने राष्ट्र में आने की अनुमति देते हैं, और इनके सहारे ही वो दूसरे देशों में जा पाते हैं। तो अपनी जो भाव जो फ्रांस में पैदा उन्होंने किया था वही भाव वो पैदा करते हैं अब दूसरे देशों में। और वो देश कौन थे, पोलैंड जर्मनी बेल्जियम। तो ये विशेषकृत देश थे जो फ्रांस की बाउंड्री उन्हें लगती है, तो वहां पर जैकोबियन क्लब का निर्माण हुआ। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके सामने, तो विशेषकृत 2 मार्क्स के लिए क्वेश्चन पेपर में आ सकता है। कि जो अगला क्वेश्चन हमारे सामने है वो है जैकोबियन क्लब क्या है। तो हमें इसको विशेषकर लिखना होगा कि जैकोबियन क्लब का निर्माण छात्रों ने
छात्रों ने और शिक्षक वर्ग ने मिलकर किया, ने मिलकर मिलकर किया। पहला पॉइंट तो यह हो गया कि जैकोबिन क्लबों का निर्माण शिक्षक वर्ग ने किया। इसी में दूसरा पॉइंट जो था यह पोलैंड, जर्मनी, बेल्जियम के अंदर बना। यह पोलैंड, जर्मनी, बेल्जियम के अंदर बना। और जो तीसरा पॉइंट है वो था कि इसका कार्य क्या था। कार्य, जैकोबियन क्लबों ने, इन क्लबों ने फ्रांसीसी सेनाओं को रास्ता दिया अपने देश में घुसने का, ताकि लोगों के अंदर सामूहिक भाव पैदा हो सके। तो यहां तक हमें यह समझ में आता है कि किस तरीके से राष्ट्रवाद का निर्माण हुआ, किस तरीके से क्रांतिकारियों ने सामूहिक भाव को पैदा करने के लिए कदम उठाए। और तीसरा जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके सामने है वो है जैकोबियन क्लब, कि जैकोबियन क्लब क्या था। 2 मार्क्स का क्वेश्चन है, इससे पिछला क्वेश्चन 6 मार्क्स का था, और राष्ट्रवाद की डेफिनेशन 1 मार्क्स की आ सकती है आपके एग्जाम में। तो जैकोबियन क्लब क्या था, तो हमें सीधी सीधी बात ध्यान रखनी है कि जैकोबियन क्लब का जो निर्माण था या उस संगठन को बनाने में विशेषकृत 2 लोगों की मुख्य भागीदारी थी, उसके अंदर थे शिक्षक और दूसरे थे छात्र। और इनका कार्य जो था वो था फ्रांसीसी सेनाओं को रास्ता देना ताकि वो उनके देश में घुस सके, घुसने के साथ साथ वो अपने विचारों को लोगों में प्रकट कर सके। तो यहां तक तो बिल्कुल चैप्टर सही है कि कोई ज्यादा इतनी मुसीबत नहीं है कि राष्ट्रवाद का निर्माण हो गया और राष्ट्रवाद के निर्माण के साथ साथ सामूहिक भाव भी लोगों में पैदा हो गया। और 1792 आते आते फ्रांस आजाद हो गया। लेकिन अब यहां से एक पड़ाव शुरू होता है फ्रांस के अंदर, और उस पड़ाव में मुख्य किरदार में आते हैं नेपोलियन। एक बहुत इंपॉर्टेंट पहलू फ्रांस का, जो 1792 के बाद या 1795 से लेके 1815 तक सारे यूरोप में खलबली मचाता है। तो बहुत इंपॉर्टेंट बात है ये हमारे सामने कि नेपोलियन का जो युग था वो कब से कब, 1795 से लेकर 1815 तक बहुत ज्यादा यूरोप के अंदर खलबली मचाता है। नेपोलियन सबसे पहले अपने जो कदम जमाता है वो फ्रांस में, क्योंकि फ्रांस का ही है वो, तो वो फ्रांस में अपने कदम जमाता है। और सबसे पहला एक जो काम जो मुझे भी लगता है कि बहुत गलत करता है कि नेपोलियन सबसे पहले, आप लोगों को ये बात याद रखनी है कि वो राजतंत्र को वापस लाता है, प्रजातंत्र को खत्म कर देता है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है, देता है कि ये अब आपके सामने एक नेगेटिव पॉइंट है नेपोलियन का, कि नेपोलियन राजतंत्र को लागू कर देता है और प्रजातंत्र को खत्म कर देता है। प्रजातंत्र जो क्रांतिकारियों ने बहुत से काम किए कि सभी नागरिकों को बराबर अधिकार दिए जाएंगे, सभी नागरिक एक समान हैं, सभी को कानून के सामने जो बराबरी का अधिकार मिल जाएगा, संविधान में बराबर अधिकार उन्हें मिलेगा, तो उन सब से थोड़ा सा हट के नेपोलियन ने काम किया, दोबारा से राजतंत्र लेके आया और प्रजातंत्र को खत्म कर दिया। मतलब लोगों के पास उतने अधिकार नहीं थे जितने क्रांतिकारी चाहते थे। लेकिन एक
इंपॉर्टेंट बात जो यहां से निकल के आती है कि क्या नेपोलियन निरंकुश राजा था? तो जो हमें पता था कि क्रांतिकारी जब जगे तो वहां पे निरंकुशता थी, लेकिन क्या नेपोलियन निरंकुश राजा था? तो उसका आंसर होगा नहीं। तो ये भी एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके सामने है कि क्या नेपोलियन निरंकुश राजा था? नहीं। लेकिन नेपोलियन की कड़ी में एक सबसे जो अहम बात है वो जुड़ती है, वो क्या है कि वो राजतंत्र को वापस लाता है लेकिन प्रजातंत्र को खत्म कर देता है। तो ये मुख्य बात थी नेपोलियन के लिए, और उसके बारे में एक गलत अवधारणा भी थी कि नेपोलियन ने राजतंत्र को वापस लाकर प्रजातंत्र को खत्म कर दिया। अब इसी के चलते नेपोलियन ने 1802 में उसे वहां का चांसलर बना दिया जाता है, कि अब पूरा अधिकार जो है वो नेपोलियन के हाथ में है। मतलब नेपोलियन एक बहुत बड़ा राजा हो गया वहां का। चांसलर का मतलब सिंपल समझ लो, ना तो राजा है लेकिन पूरी फ्रांस की कमान नेपोलियन के पास है। अब 1802 में नेपोलियन को चांसलर घोषित कर दिया जाता है और 1804 में नेपोलियन एक नागरिक संहिता लेके आता है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, नागरिक संहिता को आप कानून से समझ सकते हो, ये कानून भी है। तो 1804 में नागरिक संहिता लेके आता है, लास्ट ईयर सॉरी 2019 में भी क्वेश्चन है, 2020 में भी क्वेश्चन है कि नागरिक संहिता कौन लेके आता है, उसका आंसर नेपोलियन होगा। कब लेके आता है? 1804 में लेके आता है। और इंपॉर्टेंट बात, इस नागरिक संहिता को या कानून को क्या कहा जाता है, कोड भी बोल सकते हो आप इसको, कि नेपोलियन के कोड थे ये। संहिता को आप कोड बोल सकते हो, कानून बोल सकते हो, तो इसे नेपोलियन की संहिता भी बोला जाता है, नेपोलियन की संहिता, नेपोलियन की संहिता भी इसे बोला जाता है। तो आगे हम यही पढ़ेंगे कि नेपोलियन ने अपनी संहिता में किस तरह के बिंदु या किस तरह के कानून वो वहां पर लेके आया कि जिससे फ्रांस के अंदर बदलाव आया। लेकिन एक मुख्य बात आप जान लो कि नेपोलियन जो था वो राजतंत्र को भले ही वापस लेके आया हो, लेकिन प्रशासनिक स्तर पर वो जनता के साथ था। प्रशासनिक स्तर मतलब जब आप प्रशासन की बात करते हो, एक प्रशासन बनता है लोगों से मिलकर बनता है एक प्रशासन। वहां पर कर की बात करोगे, वहां पर मुद्रा की बात अगर आप करोगे, वहां पे टैक्स की अगर आप बात करोगे तो वो प्रशासन है। वहां पे लोगों को सुविधाएं देने की बात करोगे तो वो प्रशासन है। तो प्रशासनिक व्यवस्था में नेपोलियन ने सभी के सभी जो क्रांतिकारियों ने, विशेषकर जो शब्द बोले या क्रांतिकारियों ने जो भी आवाजें उठाई उसको वो उसमें डालता है। मतलब वो राजतंत्र लेके आता है लेकिन प्रशासनिक व्यवस्था में क्रांतिकारी विचारों का समावेश करता है। तो आगे हम यही पढ़ेंगे कि किस तरीके से उसने अपने विचारों में क्रांतिकारी जो विचार थे उनका समावेश किया। क्रांतिकारी वो नहीं था लेकिन उसने अपने जो संहिता बनाई 1804 में, 1802 में वो चांसलर बनता है, 1804 में अपनी संहिता लागू करता है, तो उसके अंदर वो अपने आप को एक पक्ष दे देता है कि भाई मैं इसके अंदर क्रांतिकारियों के विचारों का भी समावेश करूंगा। और वो क्रांतिकारी के विचारों का समावेश अपनी जो वो कोड बनाएगा, नेपोलियन कोड जिसे जाना जाता है, नागरिक संहिता जिसे जानी जाती है, उसमें डाल देगा। धन्यवाद, और आई होप पढ़ते रहो।